गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपने इस चैप्टर को आधा समझ लिया है ना, और बाकी का आधा हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सोच लेते हैं क्या पढ़े थे। पहले के लोगों को कैसे मुश्किल आती थी, उनके पास बिल का इन्वेंशन नहीं किए थे तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले सकते थे, घूम फिर नहीं सकते थे। फिर उन्होंने बिल का इन्वेंशन किया और सबसे पहले पेड़ के तने को काटकर चक्का बनाने का सोचा। लेकिन ये भी इनफ नहीं था, हमें और प्रोग्रेस करना था। ये प्रोग्रेस कैसे होता है आगे के चैप्टर में हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। A strip of metal is around the outer circle of the wheel, forming a tire which held the pieces of formalin together. It also gave a smoother running surface. Beside the metal tire could stand wear and tear better than wood. उन्होंने क्या किया, लकड़ी का जो टायर चक्का उन्होंने बनाया था पेड़ को काट के, उसके ट्रंक को काट के, अब उन्होंने उसके किनारे किनारे पे मेटल का एक लेयर चढ़ा दिया। उनको लगा इससे गाड़ी और अच्छे से चलेगी, नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना वो घिस जाता था और जहाँ पर भी चलता था वहाँ की मिट्टी या जमीन को खराब कर देता। तो उन्होंने किनारे पे मेटल लगाने का सोचा। ये फर्स्ट द कार हैड जस्ट ऑन पेयर ऑफ व्हील, लेटर द टू और मोर पेयर ऑफ व्हील वेयर यूज टू मेक वैगन। दिस कैरेट हैव ए लोड एंड वेयर वन पुल्ड बाय ट्रिम एंड एनिमल्स। क्या किए उन्होंने, ये जब उन्होंने ये वाला चक्का इन्वेंट कर लिया मेटल लगा हुआ, तो उन्होंने देखा कि उनको चलाने में आसानी होती थी, तब उन्होंने पहले क्या किया, एक साइड में एक पहिया होता है, मतलब दो पहियों का एक पेयर उन्होंने तैयार किया। उनको लगा कि हम अगर ज़्यादा भारी सामान ले जाएंगे तो ये जो एक टायर है ये भी खराब हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा और बनाया कि एक साथ दो दो टायर का पेयर किया जाए, जिससे ज़्यादा हैवी सामान को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पर लिया जा सकता है। आपने देखा होगा जो बहुत हैवी लोड वाले टायर वाले गाड़ी होते हैं, उन गाड़ी में दो दो पेयर्स लगे होते हैं एक साइड में, जिससे उसके लोड को वो संभाल सके। बाकी भी जितना भारी सामान होगा चक्का भी उस हिसाब से मजबूत किया जाता है। अलग अलग तरह के ट्रक में अलग अलग तरह के चक्के का यूज होता होगा। देखेंगे अब छोटे जो ट्रक होते हैं उसमें एक पेयर ही होता है, और जो बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं जो हैवी लोड के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, उसमें टू पेयर ऑफ एंड मोर देन पेयर ऑफ टायर्स होते हैं उसमें। विथ द मेटल बैंड टू होल्ड द पीसेस ऑफ टुगेदर इट लॉन्गर नेसेसरी टू हैव सॉलिड व्हील द सेंट्रल हब एंड ring needed only few strip of wood the whole this part together. This strip of wood were called spoke and the made the wheel much together. अब जब लकड़ी का तख्ता मतलब जो सर्कल बनाए थे चक्के जैसा, अब उन लोगों को भारी लगने लगा। उन्होंने सोचा इसको हल्का कैसे किया जाए, तो उन्होंने उसके बीच में स्पोक डाले। आप लोगों ने देखा होगा साइकिल में उनके पतली पतली छड़ होती है ना टायर के पास, उसे स्पोक कहते हैं। तो उन्होंने भी अपने टायर को थोड़ा हल्का करने के लिए स्पोक का यूज किया, जिससे टायर मजबूत भी रहे, उनका जो चक्का है व्हील है वो मजबूत भी रहे, और हल्के होने से क्या होता है ना वो स्पीड पकड़ता है तो थोड़ा सा हल्का भी हो। उन्होंने ऐसा सोचा, अब टायर के बीच में स्पोक डालना शुरू कर। द व्हील ऑफ हैवियर कार एंड वैगन स्नैक डीप इनटू द अर्थ देयरफॉर हार्ड सरफेस स्टोन वर मेड ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टोन वर स्प्रिंग लिफ्ट विथ ए हैवियर रोल एंड सीमेंटेड और टेयर Thus, the road had a smooth, hard surface. Hard surface could take heavy traffic, and smooth surface will help speed. Now,
जब उन्होंने देखा कि जो स्पोक को डाले इससे क्या है गाड़ी में स्पीड बढ़ी। इससे पहले क्या होता था जब गाड़ी भारी हो जाती थी तो रोड में वो धस जाती थी और इससे भी उनको दिक्कत होती थी, जगह जगह पे रोड डैमेज हो जाते थे। उसके बाद अच्छे अच्छे रोड बनना शुरू हुआ, सीमेंटेड रोड देखे होंगे, कॉन्क्रीट के रोड होते हैं, ये सब रोड बनना शुरू हुआ। ये क्या होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं और इस पर पहिया आसानी से चलता है। तो उन्होंने सीमेंटेड रोड बनाने का सोचा, उसके बाद पहियों में भी इन्वेंशन हुआ और धीरे धीरे व्हील में स्पीड आने लगी और हमारी भी लाइफ तेजी से चलने लगी। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाउट इन फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टीम पावर वॉज फर्स्ट यूज ऑन रोड but it was soon realized that could be put to better use on iron rail। जब भाप का इंजन बनना शुरू हुआ, भाप वाले ट्रेन, अभी जो ट्रेन चलते वैसे नहीं, वो क्या है स्टीम से चलते थे, वो ट्रेन जब फर्स्ट स्टार्ट में तो वो रोड पर चलते थे। तो उन्हें लगा कि ऐसे गाड़ी को ऐसे ट्रेन को रोड पे नहीं करके इनके लिए एक लोहे का रोड तैयार किया जाए। आप पटरी देखते हो ना, ट्रेन की पटरी कैसी होती है, ये तैयार किया जाए तो शायद ये ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी। तब उन्होंने ट्रेन को पटरी पर उतार दिया और लोहे का रील बनाना शुरू कर दिया। रील मीन्स लोहे की पटरी जिसपे ट्रेन चलती है। फिर उन्होंने देखा इससे गाड़ी की स्पीड और तेज हो गई तो उनको एक सक्सेस और मिला। इससे पहले ट्रेन किस पे चलता था, सड़क पे चलता था, लेकिन उनके इन्वेंशन से अब ट्रेन किस पे चलती है, पटरी पर चलती है। द इन्वेंशन ऑफ द इन्वेंशन ऑफ ऑयल इंजन ब्रॉट इन द फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन रोड। बिफोर 1888 द व्हील ऑफ मोटर व्हीकल वर फिटेड with solid rubber tires. In 1888, John Boyd Dunlop, British veterinary surgeon, invented the air-filled tires called pneumatic tire. The air in the tire absorbed shock of the bumps and pits on road. उन्होंने क्या किया? अब तो ट्रेन भी चलने लगी, ट्रेन भी पटरी पर चलने लगी, उसके बाद स्टीम इंजन को बंद करके ऑयल इंजन को चलाना शुरू किया जो कि आज का आपका ट्रेन है। उसके बाद सन मतलब जो टाइम था वो 1888 का था, 1888 का। उस समय उन्होंने देखा कि हम लोग को कुछ और ज़्यादा इन्वेंशन की जरूरत है टायर को अच्छा करने के लिए। उस समय एक आदमी आए, या भी बोल सकते हो एक इन्वेंट करने वाला आया, उनका नाम था बायोड डॉनलो। उन्होंने इन्वेंट किया कि अब लकड़ी के मेटल के टायर की जगह पे रबर का टायर यूज किया जाए, ऐसा रबर टायर जिसमें हवा भरा जाए। तो कितना पेड़ काटोगे, इतने सारे आजकल गाड़ी हो गए हैं, सब में अगर लकड़ी का पहिया होता तो क्या आज पेड़ होते, नहीं होता ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से लोग ने इन्वेंशन किया। उसके बाद उन्होंने जब आए तो उन्होंने रबर का टायर बनाया। ये एक वेटरनरी सर्जन थे, वेटरनरी सर्जन मतलब जो पशुओं का देखभाल करने वाले डॉक्टर होते हैं उन्हें वेटरनरी कहते हैं। तो ये एक वेटरनरी सर्जन थे, फिर इन्होंने थोड़ी मुसीबतों को देखते हुए इन्होंने ये इन्वेंशन कर दिया कि ऐसे टायर्स का यूज किया जाए जिसमें हवा भरा जा सके, जिससे मेटल और लकड़ी दोनों को बचाए। For extra comfort, soft, oversized tire called balloon tire come into use. Wheel formers were made entirely of metal, and thin spokes were used to make them as light as possible. अब उन्होंने क्या किया? अभी तो टायर बना रहे हैं, टायर के बीच में मेटल का यूज किया, मेटल के बीच में उन्होंने स्पोक का यूज किया जिससे टायर हल्का हो जाए। आपने देखा होगा कि आपका साइकिल कैसा होता है ना, आपने अपने पापा का बाइक देखा होगा, स्कूटी देखा होगा, कार देखा होगा, उसको ध्यान से देखिएगा,
उसमें अब रबर टायर का यूज किया जाता है जिससे गाड़ी स्मूथली रोड पे रन करती है। द रोड व्हीकल एक्चुअली रन ऑन कंप्रेस्ड एयर। द इनर ट्यूब ऑफ द व्हील इज मेड ऑफ सॉफ्ट थिन रबर एंड आउटर ट्यूब दैट फिट ओवर द इनर ट्यूब इज थिन एंड टफ टू प्रोटेक्ट द इनर ट्यूब फ्रॉम इंजरी। इट इज द इनर ट्यूब फिल्ड विथ एयर विच कैन हैव लोड फॉर सेवरल टन इन ट्रक्स। इट गिव द रेस ऑफ टू द रेस टू द एरोप्लेन अलोंग द राउंड ग्राउंड एट हाई स्पीड एंड दे टेक ऑफ। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पहले उन्होंने टायर बनाया फिर देखें कि इसमें पंचर होने से गाड़ी जहाँ तहाँ रुक जाती है। फिर उन्होंने ये इन्वेंट किया कि एक पहले मोटा परत वाला टायर हो उसके अंदर एक पतली परत वाली टायर हो। पतली परत वाली टायर को ट्यूब कहा जाता है जो कि आपके सभी के गाड़ी में होता है। इससे क्या होता है पतले वाले ट्यूब में ही हवा भरा जाता है। ऊपर का जो मोटा वाला ट्यूब होता है वो पतले ट्यूब का रक्षा करता है सपोर्ट करता है और उसको बचाता है कि जहाँ तहाँ भी आपकी गाड़ी पंचर होकर खराब ना हो जाए। होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता है लेकिन तैयार ऐसे किया गया है कि ना हो और समय समय पर अपने टायर की जांच भी कराना चाहिए। ज़्यादा खराब हो जाने से उस टायर को चेंज करा देना चाहिए नहीं तो आपकी गाड़ी कहीं पर जंगल में खड़े हो जाएगी तब आप क्या करोगे है ना। तो टायर अगर आपका खराब हो जाता है तो उसे समय पर चेंज कर लेना चाहिए। और ये जो मोटा टायर होता है वो पतले टायर की रक्षा के लिए बनाया जाता है जिससे आपकी गाड़ी स्मूथली चल सके। इस तरह धीरे धीरे हमने व्हील का इन्वेंशन किया और आज आपकी लाइफ कितनी दौड़ रही है आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो गाड़ी में ट्रेन में। लेकिन पहले के लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं थी वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी बहुत सोचते थे इतने आसानी से नहीं पहुँच पाते थे। तो आज आप लोगों ने जान लिया व्हील कैसे स्पीड पकड़ी और साथ में हमारे लाइफ भी। इसके साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर आपको दे देंगे आप लोग लिख लीजिएगा और चैप्टर को समझिए जिससे क्वेश्चन आंसर को याद करने में आपको आसानी हो और चैप्टर को समझेंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा। ठीक है बच्चा गुड डे।